नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और कोच डियागो माराडोना का बुधवार को 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। माराडोना को खेल जगत श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। माराडोना को ब्राजील के पूर्व कप्तान पेले के साथ सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में गिना जाता है। 2 सप्ताह पहले माराडोना की ब्रेन की सर्जरी हुई थी और कुछ दिनों पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी। गांगुली ने ट्विटर पर लिखा, मेरा हीरो अब नहीं रहा, मेरे मैड जीनियस, आपकी आत्मा को शांति मिले, मैंने आपके लिए ही फुटबॉल देखना शुरू किया था। 2017 में कोलकाता में गांगुली माराडोना के साथ एक चैरिटी मैच में भी खेल चुके हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने माराडोना को अनमोल शख्स बताया। उन्होंने कहा कि माराडोना किसी जादूगर की तरह पैर से गेंद घुमाते थे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, फुटबॉल और खेल की दुनिया ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, आपकी आत्मा को शांति मिले, डियागो माराडोना, आपको याद रखेंगे। आपको बता दें, वीवीएस लक्ष्मण ने भी माराडोना को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा चला गया, दुनिया भर के खेलों के लिए एक बहुत दुखद दिन, उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना। इसके अलावा आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने भी ट्वीट करते हुए माराडोना को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट करते हुए माराडोना को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, इसी महीने माराडोना की ब्रेन सर्जरी हुई थी और 2 सप्ताह पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिली थी। माराडोना को दुनिया के महान फुटबॉलरों में शामिल किया जाता है। 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में माराडोना का बड़ा हाथ रहा था। उन्होंने फुटबॉल में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि गोल ऑफ द सेंचुरी भी किया था। इसे हैंड ऑफ गॉड का नाम भी दिया गया और इसी के बदौलत अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता था। उन्हें फीफा ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी चुना था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।